एवरीवन, मैं साक्षी। आज मैं बनाने जा रही हूँ कच्चे आम का पन्ना। तो चलो शुरू करते हैं। आम पन्ना बनाने के लिए मैंने कच्चे आम लिए आधा किलो, गुड़, शक्कर, केसर पानी में भिगोकर लिया है और नमक। अब हम इसका छिलका निकाल कर इसको कट कर लेंगे। सारे कटे हुए पीसेस को हम एक कटोरी में डाल देंगे। गैस की फ्लेम हाई करके कुकर रखेंगे, उसमें दो ग्लास पानी डालेंगे। और स्टैंड रखकर कटे हुए कच्चे आम की कटोरी रखेंगे। ढक्कन रखकर दो सीटी लेकर गैस बंद करेंगे। अब हम गुड़ में दो ग्लास पानी डालकर गुड़ को धीमी आंच पर पिघलाएंगे और गैस बंद करके ठंडा करेंगे। कुकर हमारा ठंडा हो चुका है। अब हम कुकर खोलेंगे। आप देख सकते हैं कि आम अच्छे से पक गए हैं। चम्मच से उसे हम स्मैश करेंगे और ठंडा करेंगे। हम एक ब्लेंडिंग जार लेकर उसमें आम डालेंगे और शक्कर, केसर, इलायची का पानी डालेंगे। गुड़ का पानी डालकर ब्लेंड करेंगे। हमारा पल्प बनकर रेडी है। उसे हम एयर टाइट कंटेनर में डालकर एक साल तक फ्रीजर में स्टोर करके रख सकते हैं और जब मन चाहे आम का पन्ना बनाकर पी सकते हैं। एक जार में हम ठंडा पानी लेंगे और उसमें 5 चम्मच पल्प और नमक, आइस क्यूब डालकर अच्छे से हिलाएंगे। और सर्व करने के लिए तैयार है हमारा खट्टा मीठा कच्चे आम का पन्ना। अगर आज की रेसिपी आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।